पापा निकल गए सेकंड स्कूल और अल्लाह हाफिज़। आज का जो है ईद का हमारा डिनर वो है बाजी की तरफ, तो बस अभी चलें ठीक ये कर जरूरी खाना की तरह इज्जत दस बार। Wow, you're opening the door for mama for the first time forever. हम क्या आज पोनिया मामा ने की थी इतना बहुत है बैठा हुआ है जिसकी पहली बीवी का आज तक पता नहीं चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं और अब्दुल्ला जी नमाज के लिए जा रहे हैं, हम फर्स्ट जमात पढ़ने जा रहे हैं, सुबह 6 बजे फर्स्ट जमात। मैं प्रेफर करता हूँ कि पहली जमात पढ़ ली जाए जाके, मेरी हमेशा यही कोशिश होती है। माशाल्लाह उठ गया शहजादा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका, सबको जी ईद मुबारक। मैं और अब्दुल्ला जा रहे हैं जी फर्स्ट जमात पे, अभी हुए हैं 5:20 सुबह के, तो 6 बजे फर्स्ट जमात, बस हम लोग अब निकलने लगे हैं। इसको लेके जाना है साथ। पापा निकल गए सेकंड स्कूल और नमाज पढ़ने के लिए दोनों बाप बेटा नमाज पढ़ने गए हैं पापा और अब्दुल्ला। हाँ चले गए, तो ये लोग तो जी जा रहे हैं नमाज पढ़ने। अभी इधर से वसीम की गाड़ी गुजरेगी ये देखें। और जो है मेरी गाड़ी की पीछे वाली विंडो जो है वो खुली हुई थी, इनको गुजरते गुजरते नज़र आई। इन्होंने फिर जी मुझे फ़ोन किया कि आके अपनी गाड़ी की जो विंडो है वो बंद कर लें। बस कई दफ़ा क्या होता है बच्चे पीछे बैठे होते हैं ना, तो थोड़ी सी खुली रह जाती है फिर। और ये वीडियो मुझे वसीम ने भेजी, यहाँ पर हमारे जो मस्जिद है बड़ी वाली, तो वहाँ पे ये लोग गए थे नमाज़ पढ़ने। तो माशाल्लाह काफ़ी ये बिज़ी होती है, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे जाके। अब्दुल्ला को बड़ा शौक़ है मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ने का, जुमा पढ़ने का, तो मैं बड़ी खुश होती हूँ कि बच्चों को ये खुद ही शौक़ है कि अच्छा लगता है कि जब वो जिस दिन मतलब कि जैसे बच्चों को छुट्टियाँ होती हैं ना हाफ टर्म की, तो फिर उसकी कोशिश होती है कि मस्जिद में वसीम के साथ ही जाए जुमा पढ़ने। तो यहाँ पर जी मैंने फिर अनम का ये सूट निकाला, ये एक्चुअली मेरा सूट था जो कि मुझे सना ने दिया था जब मैं पाकिस्तान थी ईद पे, उसने ये वाला मुझे दिया। तो ये मैंने लाहौर से सिलवाया था, पर जो मेरा टेलर था उसने मुझे जो मेरी मेजरमेंट दी वो मैंने किसी और से ये वाला सूट सिलवाया, तो पता नहीं वो मेजरमेंट की शायद उनको समझ नहीं आई। तो मैं तो वैसे मीडियम पहनती हूँ, पर ये वाला सूट तो मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल लग रहा था, उन्होंने बहुत ही जड़ा है ना उनको साइज़ की थोड़ी मिस्टेक लग गई, पर बहुत अच्छा सिला हुआ था, बहुत अच्छी स्टिचिंग इनकी ज़बरदस्त है। मैं इन्हीं से कस्टमर्स के कपड़े जो है मैं बनवा रही हूँ, और नीचे ये लाइनिंग लगाते हैं, हर सूट के नीचे इन्होंने लाइनिंग लगाई होती है। लेस बहुत ज़बरदस्त थी, और जो है ये साथ में देखो उन्होंने ये पल्स वगैरह लगाए हुए हैं। तो ये सूट जो था ये अनम को पूरा आया, तो ये फिर मैंने अपना सूट अनम को दे दिया हुआ, मैंने कहा चलो ये ईद वाले दिन ये पहन लेगी। तो यहाँ पे ये मेरा सूट है, मैंने अपने दोनों सूट निकाले थे पहले दिन का भी दूसरे दिन का भी, मैंने कहा इनको मैं प्रेस करके रख दूं, सूट मेरा ना फिर काम खत्म हो जाता है। तो ये मेरा एथनिक का था टू पीस, पर इसके साथ जो है दुपट्टा वो मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरा मारिया बी का एक सूट है, ये देखें ये जो दुपट्टा ऊपर रखा हुआ है इसका, तो ये बड़ा जबरदस्त इसके साथ मैच हुआ, इस तरह लग रहा था कि इसी सूट का जो है ये दुपट्टा है। तो ये वाला मैंने तो पहले सोचा था पहले दिन पहनूंगी, ये वाला सूट भी है ये भी पार्सल में आया, ये भी एथनिक है, इसके साथ का भी मेरे पास एक दुपट्टा पड़ा हुआ है। मेरे पुराने जो सूट होते हैं जो मैं चैरिटी में दे देती हूँ
उनके दुपट्टे जो हैं वो मैं अक्सर किसी ना किसी सूट का रख लेती हूँ, जिसका मुझे हो कि ये मेरे किसी ना किसी सूट के साथ चल जाएगा, क्योंकि दुपट्टे इतने इस्तेमाल नहीं होते। तो यहाँ पे जी मैं अपना सूट जो था मैंने वो भी इस्त्री कर लिया, अनम का भी इस्त्री करके रख दिया हुआ है, बच्चे जो हैं उनको मैंने उठाया, मैंने कहा उठ के आप लोग रेडी होना शुरू करो। तो मैं कपड़े साथ साथ सबके इस्त्री कर रही थी। या देखो ये मैंने अपना सूट इस्त्री करके रख दिया हुआ है, ये जैनब का जो जैनब ने पहनना है, ये भी मेरा इलाफ का सूट था जो कि मैंने अभी एक दफ़ा भी नहीं पहना हुआ। और अनम अनम की किस्मत में देखें, मैं कहती हूँ उसका मैंने सोच के सिलवाया नहीं था लेकिन उसका सूट बन गया। तो जैनब का और मेरा माशाल्लाह से एक ही साइज़ है, बस ये है कि उसको मेरी कमीज़ें थोड़ी ऊंची होती हैं, ट्राउज़र थोड़े ऊंचे होते हैं, लेकिन वो पहन लेती है। और ये मैंने फिर निकाला जी लाइबा का, ये लाइबा का इमेज का सूट है जो कि मैं सिलवा के लाई थी पाकिस्तान से। तो उसने भी पहना नहीं, जाहिर सी बात है कि वो यूनिवर्सिटी में होती है, जब आती है तो उसने अपने कम्फर्टेबल मतलब कि उसके लेवल में रहना होता है, जो उसको कम्फर्टेबल लगता है। तो ये शलवारें कमीज़ें जो हैं ये कहीं हमारे आने जाना, जब कहीं स्पेशल जाना हो तब बच्चे पहनते हैं, और मैंने कभी उनको फोर्स भी नहीं किया कि नहीं ये ना पहनो वो ना पहनो, जिसमें बच्चों को कंफर्टेबल लगता है। तो ये लाइबा का बहुत प्यारा सूट है, इस तरह का मेरा भी है, बाजी का भी है। तो लाइबा का जी मैं ये वाला जो है इस्त्री करके रखूँगी। तो ये देखें सबके कपड़े शपड़े रेडी हो गए, तो बस हम चलिए चल के तो करिए बाकी दे काम शो। और बस फिर नाश्ते में हम लोगों ने खाया शीर खोरमा जो कि मैंने रात को बना के रखा था। यहाँ पे फिर मेरा ये ब्रेड का स्लाइस है और साथ में ये मेरी चाय। मैं तो खैर मीठा नहीं खाता, वसीम ने और अब्दुल्ला ने और बच्चों ने शीर खोरमा खाया जो कि बड़ा ही मज़े का बना हुआ था। आपने भी वो रेसिपी वैसे ट्राई कर लें, बहुत ईजी है। और यहाँ पर जी मैंने अपना ये वाला फिर सूट जो है ये निकाला, इसको भी मैंने अभी इस्त्री करना है। और ये वाला जो जोड़ा है ये मैं पहनूंगी आज, तो ये मुझे बड़ा पसंद था, मुझे यही था कि चलें ये मैं किसी ख़ास दिन पे पहनूंगी। तो ये आज आया जी हमारा ईद का दिन, तो मैं कहा चलो ऐप वाला सूट कटिए इनू इस्त्री करिए। दुपट्टा इसका जो है ये शिफून का है, बड़ा ज़बरदस्त। तो यहाँ पे जी ये देखें 100% प्योर मस्टर्ड ऑयल है, तो ये मैं लगाऊँगी बालों में और फिर जो है घंटे दो घंटे के बाद धोएंगे सर। तो मैंने याद है मैं अपनी अम्मी के घर भी ना ईद वाले दिन सुबह सुबह सिर में तेल ला के बह जाती सर और बाल इतने अच्छे होते हैं खाली इस मस्टर्ड ऑयल से ही। ठीक है, मैं पता नहीं क्यों जूम इन ते जूम आउट कर रहे हैं। घंटा दो घंटा ये आप बालों में लगा रहने दें, फिर उसके बाद अच्छे से शैम्पू से आपने बाल धो लेने हैं और रिजल्ट फिर आपके सामने होगा। जेडे एवं इधर उधर लोग तेल बना के बेचते पे ना, सब बेकार हैं, खाली आप मस्टर्ड ऑयल ही लगाएं और जादू देखें। तो बालों में तेल लगाने के बाद मैं आई हूँ जी किचन में नाश्ते की तरफ। मैंने आटा गूंदा, ताज़ा आटा, तो बच्चों ने खाने थे पराठे जड़े उठे सन, मैं चलो मैं तुम नाश्ता बना देव क्योंकि फिर सब ने बारी बारी रेडी होना है तो काफ़ी टाइम लग जाता सानू सारे तैयार होते भी तो मैं चलो टाइम काफ़ी हो चुका है तो जो है ना ब्रंच ही करते हैं। फ्रिज में मेरे पास थोड़े से सालन भी पड़े हुए थे तो मैं चलो पराठों के साथ खाए जाए। तो इसके बाद मैं बनाऊँगी जी चाय। तो यहाँ पे जी बनेगी चाय। ऐ देखो लाचियाँ कुट रही हैं, चंगी तरह कुट रहे हैं इन्हों, चंगी तरह। हेलो जी कुटियाँ गई ने। इसके नीचे करेंगे आग ऑन। ये लो पानी उबलेगा फिर इलायची डालेंगे इसके अंदर। ये लें जी ये गई हैं इलायचियाँ इसके अंदर, पानी उबलना शुरू हो गया था, इलायची मैंने डाल दी है। और ये देखें ये पड़ी हुई है दूध की बोतल। तो ये गए जी इसके अंदर टी बैग्स। ये देखो इसमें आप सिनेमन स्टिक भी डाल सकते हैं, सौंफ भी डाल सकते हैं, बादियान का फूल भी डाल सकते हैं और बड़ी मज़े की चाय बनती है। थोड़ी सी चूंडी जी अजवाइन दी भी पा सकते हो, पर मैं डालती हूँ सिर्फ इसमें सब्ज़ इलायची क्योंकि बाकी सब चीज़ों का जो टेस्ट है वो वसीम को बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है। तो बस पहले तो पीते होते थे, अब जब से बीमार हुए हैं तब से जो है ना वो नहीं, फिर ये चीज़ें मैं नहीं डालती अब चाय में। तो ये बस सब्ज़ इलायची के साथ ही हम बनाते हैं। और ये गया जी पराठा तवे पे, ताज़ा आटा गूंदा था ना इसलिए ऐसा बना है, पर कोई गल नहीं टिड बिच ही जाना है। मैंने कहा जी घर वाले जो हैं नाश्ता कर लें, वैसे तो वसीम ने और अब्दुल्ला ने नमाज से आए थे तो इन्होंने शीर खोरमा खाया, पर अब ये लेट हो रहा है ब्रंच क्योंकि रात को फिर हमने तकरीबन 6-7 बजे जाएंगे बाजी की तरफ। तो मैं कहा चलो दोपहर को फिर किसी को भूख नहीं लगेगी।
यहाँ से मैं उठाऊंगी दूध वाली बोतल और इसको मेजर करके डालेंगे चाय के अंदर। ये क्या दूध, बिस्मिल्लाह है मेरी और वसीम की चाय। तो जे किसी और ने भी पीनी है तो आ जाओ, मोस्ट वेलकम, कोई टेंशन नहीं है, बना देंगे आपको भी। चाय में डालेंगे जी चीनी, हेलो, आधी चमची वसीम की और आधी मेरी। इसको थोड़ा सा ज़रा मैं इस साइड पे करूं ताकि सेक जल्दी लगे ते चाय बने। चाय को जी आ चुके हैं उबाले, ये देखो अभी एक दो उबाला अच्छी तरह आए ना तो फिर ये मज़े की लगती है। आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये देखो कितनी मज़े की चाय। तो आज मैंने बता दिया है कि मैं चाय कैसे बनाती हूँ, एक एक स्टेप मैंने सिखा दिए, कोई इधर डिफरेंट नहीं, बहुत सिंपल सी, सिर्फ सब्ज़ इलायची हम डालते हैं। तो चलो जी इतों चुकी अपनी चाय और ले जाएं अब उधर इसको। तो ये देखें, ये मेरे पास यहाँ पे चने की दाल और मैंने गोश्त बनाया हुआ था और थोड़ा सा मेरे पास ये पालक का सालन भी पड़ा हुआ है। तो यही वाला जो है आलू पालक, ये बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है, तो मैं बताऊँगी कि ये किसकी रेसिपी है। तो ये हम कल भी जो है इसको अपने खाने में ऐड करेंगे। तो ये साथ जी मैं नाश्ते में हम डालेंगे अचार। तो दाल मैंने गर्म की थी, साथ में अचार था, साथ में थोड़ा पालक का सालन था। अब्दुल्ला को माशाल्लाह बड़ा पसंद है और ये थोड़ा सा मैंने प्याज और टमाटर भी इस तरह से कट करके रखा हुआ था, ये फ्रिज में पड़ा हुआ था। मैं कहा ज़ाया होएगा इनू नाश्ते दे नाल, नाश्ता तो नहीं खैर ब्रंच ही कह लें, है ना। तो यह देखो ये चार मिक्स चार है, बड़ा मज़े का, लसूड़ों का, आम का और गाजरों का। तो मौसम देखें जी, आज ईद वाले दिन का माशाल्लाह से बड़ा अच्छा है। कभी जो है बादल आ जाते हैं, धूप चली जाती है, कभी फिर धूप आ जाती है और हवा भी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है आज माशाल्लाह से। तो बस हम लोगों ने नाश्ता वगैरह लेट किया है, तो बस थोड़ा सा रेस्ट कराएंगे और शाम को फिर 6 बजे जाएँगे हम बाजी की तरफ। तो मैं तो जब से यूके आई हूँ, मेरी ईद जो है कभी ईद पे मेरी बहनें आ जाती हैं, कभी मैं उनकी तरफ चली जाती हूँ, वसीम के अब्बू जो हैं वो हमारे साथ होते हैं छोटी ईद पे या बड़ी ईद पे, या फिर जिस साल वसीम की अम्मी आई हो तो मतलब कि उस टाइम पे अगर ईद हो तो फिर ईद हम घर पे ही करते हैं। तो अच्छा लगता है माशाल्लाह से, बच्चे बड़ा इन्जॉय करते हैं। कभी जो है अम्मी हलीमा का किचन वो आ जाती हैं। वैसे जी यहाँ पर ईद का पहला दिन या दूसरा दिन या जो ईद कभी छुट्टियाँ आ जावे तो फिर असी चले जाइदा वे हेलीफैक्स वालों को। तो यहाँ की ईदें ऐसे ही हैं, ईदा तो पाकिस्तान दियाँ ही जे। तो देखें आज फिर व्लॉग आएगा, आप देखें, मैं बस जावा ज़रा जाके थोड़ा रेस्ट करें अब हम। और कल बाजी वगैरह आएंगे जी हमारी तरफ, पहले दिन की ईद हमारी उनके साथ है, दूसरे दिन वो इधर आएंगे। तो मैंने अभी ये सारा यहाँ से ये साफ़ करूँगी, ये देखें साफ़ करके फिर आपको बाद में दिखाएँगे। देखो बच्चे खेल रहे ना बाहर, हशर नशर किया ने। और मैं आज यहाँ से सारी सफाई वगैरह कर लूँगी क्योंकि कल फिर मैंने करना है कुकिंग का काम। अभी बच्चों को साथ लगाती हूँ और उनको कहती हूँ कि यहाँ से आके तो ये उठाएं। ये टीवी को आहिस्ता करो, ये टीवी की सारी आवाज़ आती है मेरे व्लॉग में, तो मेरे व्लॉग के उत्ते कॉपी राइट आ जाना जे, कॉपी राइट। ऑल राइट, तो हम जी यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। मेरे आज का जो है ईद का जोड़ा ये वाला है, ये देखें ये वाले ईद के मेरे कपड़े हैं। ये मेरा मारिया बी का सूट है, ये मेरा जो है लास्ट ईयर का मैंने लेके रखा हुआ था और ये अब सिल के आया है देखो, और ये मुझे बड़ा पसंद है ये वाला। तो बस अभी नीचे चलते हैं, मेरी घड़ी और मेरी अंगूठियाँ नीचे पड़ी हुई हैं तो वो पहनते हैं, बच्चे जो हैं वो भी रेडी हैं, तो बस निकलिए बाजी की तरफ, मिलते हैं फिर आपको जाके। सीम गए हुए थे ज़रा बाहर। वालेकुम अस्सलाम, आ गए, चलो अब्दुल्ला अभी रेडी हो जाओ। अब्दुल्ला गया हुआ था जी स्कूटी पे, हाँ जी सब रेडी हैं, आप जल्दी से कपड़े चेंज करो, आपके वो सुबह जो आप नमाज पढ़ के आए थे ना जो शलवार कमीज पहनी थी वो आपके बेड पे है। तो बस सबको मैंने मैसेज किए, फ़ोन किए, जिन जिन की आज ईद थी, तुहानू भी पता कि ईद वाले दिन फिर सारियां नू मैसेज करना, फ़ोन करना, ईद मुबारक कहना, जिन्हों फिर तुसी भूल जाते हो वो फिर ईद तो बाद तुहानू याद कराते ने, आपने तो हमें ईद मुबारक कही नहीं थी भाई, जे असी भूल जाते हैं तो तुसी कर लिया करो, है ना। तो यहाँ मुझे लगा शायद मेरा ना दुपट्टा उल्टा है सूट का
मैंने किसी ने कहा सी पुट्ठा दुपट्टा जरा ना वो ना लिया करो। तो वसीम के जी अबू ने आना था, मैंने उनको कहा था कि अबू जी ईद आपने हमारे साथ करनी है, पर उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि वो थोड़े दिन पहले अभी होके गए हैं, फिर उनके लिए ट्रैवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है, तो इंशाल्लाह वो थोड़े दिनों तक आएंगे, फिर मैं आपकी जो है मुलाकात वो अबू जी से करवाऊँगी। तो बस उन सारे रेडी हुए ने बाजी वाल जाने वास्ते। और यहाँ पे जी मैं और जैनब हम जा रहे थे केक बॉक्स, वसीम और बच्चे गाड़ी में थे, मैंने कहा चलो बाजी की तरफ जो है हम केक ले जाएं, तो देखें फिर आगे क्या हुआ। हेलो केक खत्म, केक कोई एक तो दे दो सानू, जरूरी खाना कि तेरी इज्जत दा सवाल ये देखें जी यहाँ से केक लेने आए हैं, तो केक तो सारे खत्म, तुम्हें मैं क्या भाई सानू कोई एक केक दे दो, किसी का ही दे दो। ये देखो जाना यार तो यहाँ से मिला जी हमें केक, केक बॉक्स में से तो सारे केक खत्म। केक मिल गया, शुक्र करो वो भाग ओ हम जगह फिर लाइक टर्न ओवर हियर। ये लोग वो पकोड़े वगैरह ऑर्डर करे थे, बड़ा कुछ समोसे, वो फादर्स डे भी है ना आज, इसलिए ये वो पर लोग लेके जाते हैं, चीजें करते हैं, मनाते हैं। Yeah, he looks like no, so baya papa. We call it sobs. You just don't say kabaya. I'm gonna start imagining boys in a baya. Mama. Jubba. Yeah, jubba, or then sob. Jubba men, white jubba men. But can't you? No, you don't call a girl's man jubba as well. Actually, I think you do. I don't know. मामा आप कहाँ देख रही है बाहर? मैं देख रही हूँ लेबनीज़ क्या। हाँ मामा को बाहर ही था। और जिस शॉप से हमने केक लिया था ये फुल वेजिटेरियन शॉप है, और इनके केक बड़े मज़े के होते हैं, इनके समोसे पकोड़े और पनीर पकोड़ा भी काफ़ी लोग यहाँ से ऑर्डर करते हैं, काफ़ी रश होता है यहाँ पे माशाल्लाह से। तो इनके पास जी तंदूर की रोटियाँ भी होती हैं, ये मतलब कि जो तवे पे रोटी बनती है वो भी, और जो है वेजिटेरियन डिशेज भी इनके खाने सारे बड़े मज़े के होते हैं। जो मेरे एरिए के लोग हैं वो यहाँ से ज़रूर ट्राई करें। मैं कोई प्रमोशन नहीं करती पई, मैनू उतों कोई डिस्काउंट नहीं सी मिलिया, मैं सिर्फ दसदी पई हूँ जिहड़े वैजीटेरियन हैं ना वो इस शॉप में जाके ज़रूर ट्राई करें। तो वसीम ने भी आज पहना हुआ है काला सूट, है देखो मेरे नाल दा वो देखिए अब्दुल्ला पीछे सो गया हुआ है, ये सुबह उठ के गए थे ना फर्स्ट नमाज पे, तो पौने पांच का उठा हुआ है, तो बस सारा दिन कहती रही है सो जा नींद नहीं आ रही, तो अब देखे सो गया। हाँ Wow, you opened the door for Mama for the first time forever. Wow. मैं ऊपर से बनानी, पर मेक श्योर कर देना इस क्लिप के अंदर। ये भी सो के उठे अब्दुल लुक्स सो लॉस्ट, उसको पता नहीं चला कि कहाँ है। ये देखो मामा पापा ने काला सूट पहना हुआ है, मैंने और हमने ग्रीन वाला पहना हुआ है। Let them go. तीनों के पीछे पीछे जा रहे हैं, तीनों के पीछे पीछे। मैंने क्या आज पोनिया मामा ने की थी। देखें बाजी क्या कर रही हैं, बाजी यहाँ पे शीर कोरमा खा रही हैं, शीर कोरमा खाया जा रहा है, मजे का बना है ना। आओ मैंने पता सी, मैं तो ही मजे का बनाया सी। चलो जी खाना रेडी है आपका? नहीं हले नहीं रेडी है।
तो आज जी बाजी के घर में लगेगी खूब रौनक माशाल्लाह से। मेरी नीस भी आएगी, उसके इन लॉज भी आएंगे, तो खाने शाने जड़े ने वो पक रहे ने। तो ये देखें, ये इधर जैनब भी बैठी हुई है। तो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इनके अपने नेल्स नहीं होते, ये कभी किसी ना कोई फंक्शन हो या कोई दिन हो हमारा त्यौहार, तो तब जो है बच्चियाँ ये आर्टिफिशियल वाले ये लगा लेती हैं और फिर उसी दिन ये उतार देती हैं, या अगले दिन तक लगे रहें जो कोई एक भी उतर जाए तो फिर सारे जड़े ना उतारने पैंदे ने। तो वसीम और अब्दुल्ला जी सुबह सुबह चले गए थे नमाज़ पढ़ने, क्योंकि फिर रश हो जाता है और रश वाली जगह वसीम के लिए फिर ठीक नहीं है। ज़ाहिर है कि उनके वीक में 3 दफ़ा डायलिसिस होते हैं, तो कोई ना कोई फिर इन्फेक्शन कैच करने का जो है वो ख़तरा होता है। और मुझे एक कमेंट आया हुआ था कि आपने कुर्बानी नहीं की, कि आप यूके में कुर्बानी नहीं करते या यूके में कुर्बानी का रिवाज नहीं है। जी यह रिवाज नहीं हैगा, है ना, ये तो है कि जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो साहब हैसियत हैं, वो कुर्बानी ज़रूर करें। तो कुर्बानी जो है वो हमने भाईजान के फार्म पे की, वहीं पे गोश्त बनवा के सब में बांट दिया गया था माशाल्लाह से। और यहाँ पे जी चावल जो हैं वो दम पे लग चुके हैं, और बाजी यहाँ पे जो है कुछ और भी बना रही थी। ऐ देखो ऐ बनी जे लैम कढ़ाई, बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी। और यहाँ पे जो है लैम कढ़ाई के साथ जितने भी जो लवाजमात वगैरह हैं, जो उसके ऊपर डाले जाने हैं, वो रेडी करेंगे। और यहाँ पे इस हांडी को करेंगे जी दोबारा से गरम। हाँ इतना बहुत है। और पुदीने की चटनी, और ये है जी सलाद, है देखो सलाद, पुदीने की चटनी। आप दोनों क्या कर रहे हो, नाइस है, खाते जाओ बस, यही इन्हीं से पेट भर लेना। ये क्या बनाने लगी हैं तो खाना जी बड़ा मज़े का लग रहा है, और कुछ बाजी ने बाहर से भी मंगवाया हुआ है, देखिएगा फिर। तो ये देखें जी बाजी कर रही हैं खाना, जो है डिश आउट होगा, और ये जो रेसिपीज हैं ये आपको मिलेंगी बाजी के चैनल पे, ठीक है। और ये चिकन बहुत ही मज़े का था, और इसकी जो रेसिपी है वो मैं भी इंशाल्लाह किसी दिन ट्राई करूँगी। और राइस भी जैसे बाजी ने बनाए हुए थे वो भी बड़े ज़बरदस्त और बड़े मज़े के थे। तो यहाँ पे जी अब हो रही है चिकन मंदी वाले प्लेटर की तैयारी। और ये फ्राइंग पैन में बाजी ने किशमिश डाली थी, कैरट्स थी, और उनको जो है थोड़ा सा हल्का सा स्टर फ्राई करके तो वो फिर चावलों में डालेंगी। और यहाँ पे जी ये पड़ा हुआ था सैलड, मैं क्या लिया, मैं इन्हों भी मिक्स कर दूँ, क्योंकि मुझे ऊपर बस वो पत्ते पत्ते ही नज़र आ रहे थे, बाकी का सारा सैलड जो सी ना वो नीचे था। तो इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, और अब ये भी जाएगा टेबल पर। टेबल पर जो है अभी ये चटनियाँ वगैरह सलाद प्लेटें शलेटें ये हमने रखनी शुरू की हैं, ताकि जिनको भूख लगी हुई थी उनको तसल्ली हो जाती कि खाना लगने लगा, तो बस नीस के आने का और उनके जो है इन लॉज उनके आने का यहाँ पे वेट हो रहा था। ए देखो जी मेरी बाजी ने किड्डी शानदार बनाई जे लैम कढ़ाई, ते ए गई जे लैम कढ़ाई डिश दे अंदर, देखे कितनी मज़े की लग रही है। और यहाँ पे जी चिकन को भी बाजी ने जो मैरिनेट करके ओवन में रखा हुआ था उसको भी निकाल लिया, तो अब जाके निकालेंगे राइस। अच्छा। चलो नहीं बड़ा रहते। और यहाँ पे जी चिकन को बड़ा सवार के चावलों के ऊपर जो है वो रखा गया, और फिर उसके ऊपर ये सारे जो थे लवाजमात उनके साथ उसकी खूबसूरती में और इजाफा और किया गया। यहाँ पे सारा खाना जो था वो फिर टेबल पे लगाया गया, तो मैं कह दी क्या खुशबू आ रही सी खाने दी, तो भूख सारिया ही लगी हुई सी सबको आज बड़ी भूख लगी हुई माशाल्लाह। तो यहाँ पे जी टेबल जो है वो पूरी तरह से रेडी है, साथ में इनके नान भी जो है वो भी गर्म किए हुए हैं। ये मिक्स वेजिटेबल थी, बहुत ही मज़े की, साग भी था और दाल मखनी भी थी। और जो मैंने लास्ट व्लॉग में लैम लैग की मैरिनेशन दिखाई थी उसका व्लॉग आएगा मे बी कल आए या मे बी परसों, ठीक है। चलो आ जाओ, खाना रेडी है। और यहाँ पे जी ये कुछ मीठा बना पड़ा है,
हले दी साइंस नहीं मेनू पता कि एदा बनना की है। देखो फिर की बनेगा। ये देखें फलूदा एंड कुल्फी बनेगी। ये डिजर्ट बाजी ने बनाया हुआ है फलूदा एंड कुल्फी वाला। ऐ खावांगे खाने तो बाद। चलो भाई आ जाओ हुन ले आए। चलो आ जाओ ले जाए जी इसको भी। जी जी आ रही हूँ। ये देखो मुर्गा मैं खाना है। मैं ये मेरा है। यहाँ पे बाजी बना रही हैं जी हम सबके लिए डिजर्ट। लो क्या हो रहा है। ए देखो टावर बना है। टावर बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। इधर बैठी हुई हैं बाजी और इधर वो इंसान बैठा हुआ है जिसकी पहली बीवी का आज तक पता नहीं चला। गुमशुदा बीवी वाला हस्बैंड। ताड़ी बुटी कितने में वैसे कहाँ छुपाई हुई है? इस कैमरे के पीछे। इस कैमरे के पीछे तो मैं हूँ। तो जी किसी ने बड़े दावे के साथ कहा है कि वसीम की एक और वाइफ भी है, तो जो उस वाइफ को ढूंढ के लाएगा उसको 10,000 pounds मिलेगा मेरी तरफ से। तो हम जी जा रहे हैं। बगैर बड़ा मजा आया, बड़ा एंजॉय किया। चलो जी गाड़ी में चलते हैं। सारी सवारियां जो हैं वो बैठ चुकी हैं। ते चलो जी बड़ा अच्छा रहा आज ईद का दिन। बड़ा मजा आया माशाल्लाह से। और ये था जी हमारा आज का ईद का पहला दिन, जो कि आपने देखा कि बच्चों ने भी माशाल्लाह खूब इंजॉय किया। कज़न जब इकट्ठे होते हैं तो ये बड़ा हल्ला गुल्ला करते हैं। यही सबसे ज़्यादा जो है ना बच्चों ने इंजॉय करना होता है। भाई ईद तो बच्चों की होंगी है ना। बड़ों को तो एक बस बहाना मिल जाता है ज़रा मिल बैठ के गप्पे शप्पे लगाने का, खाना खाने का। खाना तो खैर रोज़ ही खाईदा है। तो यहाँ जी हम आए, मुझे यहाँ से चाहिए था शीर खोरमा जो कि मैंने बनाया था। बाजी की तरफ लेके गई, थोड़ा सा उनको बड़ा ही मज़े का लगा, सबको बड़ा पसंद आया। पर वो आज ही मुक गया तो मैं कहा चलो ईद के पहले दिन तो ख़त्म हो गया, ईद का दूसरा दिन तो अभी बाकी है, तो यहाँ से मैं लेके जाऊंगी और ये फिर मैं कल सुबह सुबह उठ के इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी, ताकि जब सबने मेरी तरफ आना है तो मीठे में जो है शीर खोरमा खाएंगे। तो ये देखें जी दुकान का शटर बंद करवा के जा रहे हैं। हमने जो लेना था हमने ले लिया, सारा कुछ मिल गया माशाल्लाह से।